उत्तर प्रदेश के प्रत्येक महिलाओं के बैंक खाते में सरकार उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जून 2024 तक 3,000 रुपये सभी के बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे इन योजनाओं के तहत। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी बताएंगे, वीडियो पूरा देखें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रों के बैंक खाता में भेजने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे जिस प्रकार की पेंशन सरकार की चल रही है, निराश्रित महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन लोगों के लिए और इसी के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन भी है, इन सभी की राशि 30 जून तक सभी पात्र के बैंक खाते में भेजने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को इन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए, यानी कि इसके लिए अभियान भी चलेगा अब, क्योंकि जो लोग भी वृद्ध हैं, वृद्धावस्था पेंशन उनका नहीं बना है या निराश्रित महिला पेंशन नहीं बना है, दिव्यांग है, दिव्यांगजन पेंशन नहीं बना है, कुष्ठ रोग है तो कुष्ठावस्था पेंशन अगर नहीं बना है तो उन लोगों का पेंशन बनवाया जाएगा और लाभ दिया जाएगा। और जिन लोगों का पेंशन पहले से ही बना है उन लोगों का पेंशन 30 जून 2024 तक आ जाएगा, मतलब बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 55.68 लाख वृद्धजनों, 33.54 लाख निराश्रित महिला और 10.40 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 1,000 की धनराशि पेंशन के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसी प्रकार 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को मासिक पेंशन 3,000 रुपये उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लोगों को नियमानुसार वार्षिक सत्यापन करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही की किस्त 30 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पहली तिमाही की जो किस्त होगी वो 30 जून तक आप सभी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से।